चाहते हैं नीतीश कुमार की तरह, वो आपके हाथ में, फैसला आपके हाथ में। हम तो चाहते कि हमारी ताकत, मुकेश सहनी जी की ताकत, तेजस्वी यादव जी की ताकत, माली जी की ताकत, सब लोग की ताकत बढ़े, ताकि सामाजिक न्याय कि जो विचारधारा है, उस विचारधारा को हम लोग धरती पर उतारने में कामयाबी हासिल कर सके। हम आप सब लोगों से, समय का अभाव है, अभी आगे भी जाना है, दूसरी सभा में भी जाना है, मुकेश सहनी जी के लिए जरूरत पड़ेगी तो एक आज तक हम फिर आगे इस लोकसभा क्षेत्र में आप लोग जाइए, यहाँ के लोग यहाँ नहीं उपस्थित है उनके घर में जाइए और जाकर बताने का काम कीजिए कि मुकेश सहनी जी को जिताने का मतलब उपेंद्र कुशवाहा को जिताना है। इसलिए सब लोग मिलकर वोट दीजिए, इनका चुनाव चिन्ह है नाव छाप, महागठबंधन में नाव छाप इनका चुनाव चिन्ह है। एक एक कीमती वोट नाव छाप के सामने के बटन को दबाइए और भारी मतों से इनको जिताकर भेजने का काम कीजिए। यही आग्रह करने के लिए हम आपके बीच आए हैं मित्रों। अब आप सब लोगों से, अब आपका मन भी आग्रह जानना चाहता हूँ कि मुकेश सहनी जी को सब लोग जिताइएगा, बताइए जिताइएगा ना, सब लोग हाथ उठा करके चलिए तो जिताइएगा, तो जीत का पाला इनको पहना। आप सब लोग इनको वोट देंगे, जिताएंगे तो इनकी ताकत तो बढ़ेगी, किसी न किसी रूप में उपेंद्र कुशवाहा की भी ताकत बढ़ेगी, उपेंद्र कुशवाहा की ताकत भी बढ़ेगी। आप लोगों को मालूम है कोई एक व्यक्ति अपने को बड़ा नेता लोग मानते हैं लेकिन अपने टिकट के लिए भी हाथ पसार कर घूमते रहते हैं और अंत में टिकट भी नहीं मिलता है और उपेंद्र कुशवाहा तो टिकट बांटने का काम करता है। उपेंद्र कुशवाहा टिकट बांटने का काम करता है, अभी भी हमने टिकट बांटने का काम किया है। इस बार मुकेश सहनी जी को जिता कर भेज दीजिएगा तो उपेंद्र कुशवाहा अगली बार और टिकट बांटने का काम करेगा, और टिकट बांटने का काम करेगा। लेकिन इस बार अगर आपने कमजोर कर दिया तो उपेंद्र कुशवाहा की ताकत कमजोर जी। हम लोग का नाम सुनते ही घबरा जाते, बौखला जाते और अनाप शनाप तोड़ने लगते, अनाप शनाप पकने लगते। हम आपसे ही कह रहे हैं भले हम लोग का नाम सुन के बौखलाने लगे, हम लोग का नाम सुन के अनाप शनाप बोलने लगे, लेकिन इनको सबक सिखाने का काम करना है। और जिस नीतीश कुमार जी ने मुकेश सहनी जी को सड़क छाप कहने का काम किया, उपेंद्र कुशवाहा को नीच कहा, तेजस्वी यादव को गद्दी से हटा दिया, उसी नीतीश कुमार को अब हम सब लोग मिलकर सड़क पर लाने का काम करेंगे और महागठबंधन की सरकार बनाने का काम करेंगे। मित्रों, महागठबंधन की सरकार अगले साल विधानसभा का चुनाव है उसमें भी बनेगी, लेकिन अभी तो लोकसभा का चुनाव है। इस लोकसभा के चुनाव में आपसे मैं आग्रह करने आया हूँ, नरेंद्र मोदी जी भी वास्तव में ये बाद में शामिल कर दिया, इसलिए अपने को पिछड़ा कहते हैं। वास्तव में पिछड़ा घर में नरेंद्र मोदी जी पैदा नहीं हुए, अगर पिछड़ा घर में पैदा होते तो गरीबों के लिए उनके मन में दर्द होता, नहीं है उनके मन में गरीबों के लिए दर्द। इसलिए उन्होंने कहा था हम बिहार में अगर सरकार में दिल्ली में आ गए तो गरीबों के लिए कमाई का इंतजाम, दवाई का इंतजाम, पढ़ाई का इंतजाम सब यही करेंगे। लेकिन क्या हुआ, न तो 5 वर्षों में नौजवानों को रोजगार मिला, कमाई का कोई इंतजाम नहीं हुआ। जो गरीब लोग हैं उनको इलाज के लिए अभी भी कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो दिल्ली जाना पड़ता है, दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, इलाज बिहार में नहीं है। सरकारी अस्पताल की दुर्दशा और पढ़ाई की तो इतनी दुर्दशा है कि गरीब घर का बच्चा चाहता है पढ़ना, लेकिन कहाँ पढ़े गरीब घर का बच्चा। और जब तक गरीब घर का बच्चा नहीं पढ़ेगा तब तक गरीब लोगों की तकदीर नहीं बदल सकती है। गरीब घर का बच्चा पढ़ेगा, पढ़ेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार, नहीं पढ़ेगा बिहार तो नहीं बढ़ेगा बिहार। गरीब घर के लोग चाहते हैं अपने बच्चों को पढ़ाना, लेकिन कहाँ पढ़ाएंगे, उनकी जेब में पैसा नहीं है। जो दलित पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी जेब में पैसा नहीं है, कहाँ पढ़ाएंगे अपने बच्चों को। अपने बच्चों को प्राइवेट में नहीं पढ़ा सकते हैं क्योंकि प्राइवेट में फीस लगती है, पैसा लगता है। गरीब लोग उन्हीं सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करना चाहेंगे, जिन सरकारी विद्यालयों में आज कहीं पढ़ाई लिखाई नाम की कोई चीज है क्या, कहीं नहीं है पढ़ाई लिखाई तक नहीं है, टीचर नहीं है, हर तरह से बच्चों को समय पर किताब नहीं मिलती है, पढ़ाई लिखाई के नाम पर सिर्फ खाना पूरी है, कहीं सरकारी स्कूल में पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही। हम आपसे कह रहे हैं कि हम लोगों ने मन बनाया है, संकल्प लिया है, आप लोगों ने मौका दिया, तो सबसे पहले गरीब घर के बच्चों की तकदीर को
बदलने के लिए, शिक्षा में सुधार करने का काम करें।